यूपी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल गुम है किसी के प्यार में विराट के उड़ने वाले हैं होश जब सम्राट उसे सच्चाई बताएगा। आने वाले एपिसोड में काफ़ी कुछ हाई वोल्टेज में देखने को मिलने वाला है जहां पर सही उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर कहता है आपने सही टाइम पर सही इलाज दे दिया वरना मुसीबत हो सकती थी। तो दूसरी तरफ विराट और सभी यहां पर ढूंढ रहे होते हैं सही को। तो दूसरी तरफ चौहान निवास में तो नया ही तूफान आ गए हैं कि पता लगेगा कि मामू उसे लेने पहुँच गए और अब उसे इंतज़ार नहीं होता कि मैं अपनी दामाद का कि एक साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं लेकिन पता नहीं वो लौट कर आएगा कि नहीं और मैं अपनी बेटी को इस तरह से नहीं देख सकती। और पदलेखा भी कह देती है कि मैं भी यहाँ पर पड़े पड़े एक साल से उसका इंतजार ही तो कर रही हूँ लेकिन वो कभी नहीं आया और अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए जाना चाहती हूँ। और वो हमेशा से यहाँ जाने का फैसला कर लेती है और सब घर वालों से मनाने की कोशिश करती है लेकिन अब पदलेखा की मॉम भी कह देती है कि मैं अपनी बेटी को इस तरह से यहाँ नहीं देख सकती। तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सही सम्राट वहाँ पहुँचता है और सम्राट को देखकर सही के होश उड़ जाते हैं। वो शॉक्ड हो जाती है और उसे याद आता है कि ये तो फोटो कि उसने फोटो देखी थी और ये कहीं विराट सर के सम्राट दादा तो नहीं है। और वो उन्हें देखकर उनका नाम पूछती है तो सैम उसका अपना नाम बताता है और उसका धन्यवाद भी करता है और वो विराट के नाम से काफ़ी ज़्यादा इस तरह से इमोशनली अटैच है कि वो उस बच्चे को भी विराट ही देखता है उसमें और इसीलिए वो काफ़ी परेशान हो जाता है और सही को धन्यवाद करता है कि अगर आप नहीं होती तो पता नहीं मेरे इस बच्चे को क्या हो जाता और अब ये लोग ही मेरी दुनिया है। और उसके बाद सही उसके पूरा नाम पूछती है लेकिन वो अपना कि सैम दादा आपका अपना पूरा नाम क्या है तो वो बुरा नाम नहीं बताता और ना ही अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ बात करता है। और सही को कहीं ना कहीं शक हो चुका है कि ये विराट सर के ही सम्राट दादा हैं। तो वहाँ पर सम्राट कहता है कि आप ऐसा करिए कि आप मिलने आना चाहती हैं ना तो हमारे यहाँ पर आज शाम को ही पार्टी है, कल हमारे लिए हमारे बच्चों का जन्मदिन है और हम सब लोग बच्चों का एक ही साथ जन्मदिन मनाते हैं ताकि सबको इक्वल फील हो और अब यही मेरी दुनिया है तो आप शाम को किसी केस बनकर आना। और उसके बाद सही कहती है कि मैं ज़रूर आऊँगी। तो सम्राट उस बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो दूसरी तरफ सही विराट के पास पहुँचती है जो विराट काफ़ी बुरी तरह से उस पर चिल्लाता है लेकिन और उसे बहुत भूख भी लग रही होती है और विराट की बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था सही पर। और वो सीधा यहाँ कह देती है आपको और आपको शिवा, तो वो शिवा नाम सुनकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और वो ये सिर्फ सम्राट ही उसे कह के बुलाता है। तो वो कह बताती है कि मैंने आपके जीवा को ढूंढ लिया है और ये सुनकर काफ़ी झटका लगता है। और आने वाले एपिसोड में अब सम्राट उसका वेलकम करता है चीफ गेस्ट का। तो उसके साथ में वो कहती है कि मेरे साथ कुछ और लोग भी आए हैं जहाँ पर शनि और मोहित सामने आते हैं लेकिन उन्हें पहचानने से मना कर देता है और विराट जैसे सामने आता है कि तुम मुझे भी नहीं पहचानते। तो उस वहाँ पर सम्राट के होश उड़ जाते हैं और अब वो सच्चाई बताएगा कि वो आखिर क्यों घर नहीं आया था जिसके बाद विराट के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी लेकिन वो मना के उसे घर लेकर आएगा ही।